माँ अम्बे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्या राशि सितंबर 2022 की चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों का सितंबर कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी संतान, शिक्षा, उनका प्रेम प्यार, उनका वैवाहिक जीवन, उनका भाग्य, उनका कैरियर कैसा रहेगा, लाभ की क्या संभावना है और धन का आगमन कैसा होगा, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। सितंबर के महीने में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि से गोचर करेंगे और शुक्र 17 सितंबर को 24 सितंबर को कन्या राशि से गोचर करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य प्रथम भाव से लगे देखा जाता है, लगन से देखा जाता है और लगन में ही बुध अपने स्वराशि में विराजमान है तो आपका स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर संतान की बात करें तो संतान पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव से ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्र गति से कर रहे हैं तो संतान से भी आपके अच्छी समाचार मिलने की संभावना है। हमें संतान से भी आपके अच्छे रहेंगे। अगर आप शिक्षा जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव से ही गोचर कर रहे हैं तो आप कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा करने चाहते हैं, लेकिन उसके पढ़ने की गति धीमी हो जाती है, अध्ययन में आपका धीमा हो जाता है तो ये 23 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद आपका समय अच्छा रहेगा। फिर भी आपका कोई प्रतियोगिता परीक्षा है या कहीं आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप उसमें सफलता मिलने का काफी संजोग होगा। अब प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी दशम भाव से ही गोचर कर रहे हैं तो प्रेम प्यार भी आपका मधुर रहेगा। दोनों में आपस में ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, इसमें किसी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपके सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी स्वराशि अपने मूल राशि से ही गोचर कर रहे हैं लेकिन वक्र गति से कर रहे हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। लेकिन आपके लाइफ पार्टनर अगर कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उनमें भी उनके अच्छे मिलने के संकेत है, बशर्ते कि थोड़ी धीमी गति से। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य आपके नवम भाव से देखा जाता है और नवम भाव के स्वामी शुक्र आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं तो 24 सितंबर तक भाग्य का आपका पूरा साथ नहीं मिलेगा और क्योंकि मंगल भी विराजमान है इसलिए आपके सितंबर के महीने में भाग दौड़ की स्थिति ज्यादा रहेगी। थोड़ा सा आप टेंशनाइज हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, थोड़ा सा आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी आपके केंद्र में ही प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो कैरियर में भी काफी आपका इजाफा होगा। कैरियर में कोई आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई बेरोजगार है अगर नौकरी खोज रहे हैं तो उनको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। लाभ की बात करें तो लाभ एकादश भाव से देखा जाता है और एकादश भाव के स्वामी हर सवा दो दिन पर आपके राशि परिवर्तन होते हैं तो आपका लाभ की थोड़ी संभावना कम है। थोड़ा कभी धन आएगा, कभी लाभ होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि लाभ की संभावना न के बराबर ही होगी क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि उस पर पड़ रही है। अगर धन का आगमन की बात करें तो धन का आगमन द्वितीय भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं इसलिए धन का आगमन कम होगा क्योंकि लाभ तो होगा ही नहीं, धन का आगमन भी कम होगा 24 सितंबर से। जब शुक्र लगन में आ जाएंगे तो 24 सितंबर के बाद आपके धन का आगमन में बढ़ोतरी होगी। अगर जो व्यवसायी वर्ग हैं उनके लिए और जो नौकरी पेशा है उनके लिए भी इस तरह से जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां हैं उनसे निजात पाने के लिए आप खुद रोज गणेश जी की पूजा
क्या करें, हर बुधवार को दुर्वा और लड्डू चढ़ाएं, जिससे आपके जो परेशानियां हैं वो दूर होंगे और हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें। इस तरह से कन्या राशि सितंबर 2022 के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।